मैं एक प्रोग्राम में बॉम्बे गया और बॉम्बे के प्रोग्राम में एक मेरे मित्र ट्रेनर थे अनिल थॉमस जी। अनिल थॉमस जी प्रोग्राम ले रहे थे और उस प्रोग्राम में अनिल थॉमस जी ने एक कहानी सुनाई। बल्कि भूपेन जी या मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको कहानी सुनाई कि कहानी है क्रिकेटर थे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो क्रिकेटर हमारे प्रोग्राम में आए हैं ना, वो कोई इंडियन क्रिकेट टीम के रणजी के कोच थे। वो हमारे प्रोग्राम में आए और जब वो प्रोग्राम में आए मेरे अच्छे दोस्त बने, 3 दिन का हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद हम दोनों कार में दिल्ली जा रहे थे, सॉरी बॉम्बे वापस जा रहे थे। बॉम्बे वापस जब जा रहे थे तो मैंने उनसे कार में पूछा, हे आप सचिन तेंदुलकर की तरह क्यों नहीं कर पा रहे हैं जबकि उनके पिताजी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। नहीं 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 कभी नहीं है, अरे अरे आ जाइए दो देर में कम से कम ज्यादा है। तो बोले सचिन तेंदुलकर की तरह तुम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। बोले सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं क्या, कोई नहीं बन पाएगा। बोले क्यों, बोले मैं बताता हूं। बोले 2007 में दुबई में शारजा में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच चल रहा था और वो मैच का पूरा सीरीज चल रहा था। वो सीरीज में इंडिया जीत गई। इंडियन टाइम के हिसाब से मैं तो जनरली 9:30-10 बजे सो जाता हूं, मतलब उस पर्टिकुलर क्रिकेटर ने कहा, उनका नाम था चंद्रकांत पंडित। नहीं यार, अरे यार उनका नाम याद आ जाए मजा आ जाए, बिल्कुल पता नहीं। बोले मैं जब वहां पे रात को मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ क्योंकि मुझे सुबह 5